सीतामढ़ी समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में बुधवार को स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिंटू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा के द्वारा समिति के अध्यक्ष और स्थानीय सांसद सुनील कुमार पिंटू और उपाध्यक्ष रमा देवी को पौधा देकर स्वागत किया गया। वहीं उप विकास आयुक्त सुश्री डॉक्टर प्रीति के द्वारा रामचंद्र पूर्वे उप सभापति बिहार विधानसभा परिषद को पौधा देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त एवं जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अन्य सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को पौधा देकर स्वागत किया गया। स्थानीय सांसद से अध्यक्ष ने कहा कि सभी से अनुरोध है कि जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में गंभीरतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वहीं कार्य में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस चीज की भी चेतावनी दे दी गई है। वहीं बैठक में बोखरा अंचल अधिकारी की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी प्रकट की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। पोखरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में घटित आपदाओं में सीओ बोखरा द्वारा पॉलिथीन सीट वितरण में लापरवाही को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा खेद प्रकट किया गया। इसके साथ ही बैठक में माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा नल जल योजना की स्थिति पर चिंता प्रकट की गई। साथ ही कहा गया कि इसके क्रियान्वयन की दिशा में तीव्र गति से कार्य करने की जरूरत है ताकि लोगों को शुद्ध जल मुहैया हो सके। वहीं सांसद रमा देवी के द्वारा मनरेगा द्वारा किए गए कार्यों पर असंतुष्टि व्यक्त की गई। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर स्थिति इत्यादि के बारे में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया कि आम उपभोक्ताओं के हित के मद्देनजर पूरी गंभीरता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की बात है। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिले में सड़कों की मरम्मति, सामुदायिक भवनों का निर्माण, स्वास्थ्य उप केंद्रों का निर्माण, पुराने विद्यालय भवनों की मरम्मति एवं निर्माण, शहर को जल जमाव से मुक्ति, सामुदायिक शौचालयों की स्थिति को सुधारने, बिजली से संबंधित मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान योजना के साथ अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके समन्वय क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, बैठक में रुन्नी सैदपुर विधायक पंकज मिश्रा, बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव, नगर विधायक मिथिलेश कुमार, सुरसंड विधायक दिलीप राय, परिहार विधायक गायत्री देवी, बलसंड विधायक संजय गुप्ता, बथनाहा विधायक अनिल राम, MLC रेखा कुमारी सहित प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।